मनीष त्यागी, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में और किस तरह से उनका जादू वाराणसी की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आप लगातार जी न्यूज पर देख रहे हैं। भूले नहीं, उत्तर प्रदेश में सातवें और आखिरी चरण के लिए वोट पड़ना है और उससे पहले ये आप कह सकते हैं हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस समय अगर कोई नर्व सेंटर है उत्तर प्रदेश की सियासत का तो ये माना जाना चाहिए वो इस समय वाराणसी है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी और उसका अलायंस हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले 25 अप्रैल 2014, 4 मार्च 2017, फिर 25 अप्रैल 2019, तो यानी जब लोकसभा चुनावों के लिए रोड शो हुआ तो 25 अप्रैल 2014 और 25 अप्रैल 2019, और जब विधानसभा चुनाव के लिए रोड शो किया तो 4 मार्च 2017 और आज 4 मार्च 2022। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से। मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में हैं, हमारे साथ रवि त्रिपाठी हैं, अश्विनी पांडे हैं और राजू राज है। सबसे पहले रवि त्रिपाठी, आप जहां पर हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो, अगर बड़ी तस्वीर की बात की जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है ये 2022 में जो उसका नतीजा 10 तारीख को दिखेगा ही, लड़ाई तो 2024 की है। रवि, आवाज आ रही है आप तक? अश्विनी पांडे, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अश्विनी, एक और सवाल जो है, एक सवाल तो मैं जो रवि से पूछ रही थी कि 2024 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर इन इलेक्शंस को देखा जा रहा है, और दूसरा क्या बीजेपी अपनी 2017 की परफॉर्मेंस को, अगर लास्ट फेज की बात करें तो 54 सीटों में से 36 सीटें जो थी वो बीजेपी ने निकाली थी, क्या अपनी उस परफॉर्मेंस को बीजेपी रिपीट कर सकती है? ये एक सवाल होगा। उस लिहाज से जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो बहुत अहम तस्वीरें हैं, उनमें बहुत मायने छिपे हुए हैं। जी, सातवें चरण जो है 7 तारीख को है और ये जो तस्वीर है बहुत निर्णायक होगी सातवें चरण के लिए। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूँ और इसके बाद यहाँ से जो जुड़ी जानकारी है आपको बताऊँगा। देखिए, बीजेपी शहर में जहाँ पर ये रोड शो हो रहा है यहाँ पर 3 की 3 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी 2017 में, और 2017 में इसी तरह से सातवें चरण के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो हुआ था जो 54 सीटें जो पूर्वांचल की 9 जिलों में हैं, इन 54 सीटों पर 36 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। देखना होगा कि जिस तरह का रोड शो 2017 में हुआ था और भारी भीड़ मोदी के रोड शो में देखने मिली थी, उस तरह की तस्वीरें यहाँ भीड़ के रूप में तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो जो करिश्मा 2017 में नरेंद्र मोदी के सातवें चरण के रोड शो के दौरान हुआ था क्या वो रिपीट करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर हम बनारस की बात करें तो बहुत से विकास का काम बनारस में किया गया है। जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ सांसद बनने का बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, सड़कें दुरुस्त हुई हैं, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी भी किए जाने बाकी हैं, जो आने वाले समय में हो सकता है कि और अच्छे से किया जाए। ये तस्वीरें जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने काशी को क्योटो बनाने की बात की और जिसकी एक झलक दुनिया ने भी देखी और भारत ने भी देखी 13 दिसंबर को पिछले साल जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाई रहे हैं। रवि त्रिपाठी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, एक तरफ बड़ा सवाल ये 2017 की अपनी परफॉर्मेंस को क्या बीजेपी रिपीट कर सकती है 2022 में, और साथ ही 2024 से पहले ये बहुत बड़ा टेस्ट भी और सेमीफाइनल भी। बिल्कुल सही कहा आपने कि सेमीफाइनल इसको माना जाता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव यानी कि देश का सबसे बड़ा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का परफॉर्मेंस, क्या आप पिछली बार के 2017 के नतीजे को दोहरा पाएंगे आप पूरे उत्तर प्रदेश में और काशी में, ये दोनों बात होती है। तमाम लोग हैं क्योंकि रोड शो का रिजल्ट दोहराएंगे आप लोग 2017 से भी ज्यादा बहुमत से आएंगे। अब प्रचंड ये भीड़ जो दिख रही है, ये काशी जो है पूरे भारत को मथने वाली काशी है। काशी क्योटो बना कि नहीं बना, क्योटो बनना? अरे बहुत सी चीज हुआ है, बहुत मतलब उसका कहा नहीं जा सकता है। आपको लगता है कि काशी में काशी क्योटो से बेहतर हो चुका है इस टाइम?
गली गली में विकास है, आप किसी भी गली में चल जाइए। आज काशी में हुआ तो वे पप्पू पप्पी आए थे यहाँ पर, आज काशी में इतना हो गया पप्पू पप्पी दर्शन करने आए थे, इसके पहले कभी नहीं आए थे पप्पू पप्पी। मोदी जी के आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मोदी जी से आने से ही फर्क पड़ा है, मोदी जी के आने से फर्क पड़ा है। अगर पहले आप आते होंगे तो कितने देर में आते थे, सड़कें क्या हालत थी, आज की हालत क्या है, सड़क बिजली पानी तीनों मुद्दे थे, तीनों खत्म कर दिया उन्होंने, अंतर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और संजीव मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही शंभुनाथ जी भी हमारे साथ हैं। अली मुर्तजा, चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर थी जो भी अपने बातों अभी देखी सुनी वाराणसी, हालांकि ग्रैंड फिनाले से पहले ये एक नर्व सेंटर बन चुका है, आपकी पार्टी आपके गठबंधन के भी बड़े नेता उधर, प्रधानमंत्री मोदी जिन पर बहुत हैविली बीजेपी बैंक कर रही है, वन मैन शो इस वक्त वाराणसी की सड़कों पर दिख रहा है, 2017 को कैसे बुलाएंगे? देखिए, जमीनी हकीकत जो है प्रधानमंत्री मोदी जी और शीर्ष नेतृत्व भाप चुका है, जमीनी हकीकत जो है इनकी वो जमीन इनकी खिसक चुकी है। बिहार बंगाल उड़ीसा से लोग बुलाए हैं, आप ही संवाददाता अभी दिखा रहे थे आप ही के चैनल पे, और आपके संवाददाता बता रहे थे कि जी जनता का जो रोष है वो विधायकों के प्रति, आठों विधायकों के प्रति बहुत ज्यादा है, इसलिए मोदी जी को खुद आना पड़ गया। तो हम तो देख रहे हैं क्योटो बनाने की बात करते तो क्योटो हमें कहीं दिखा नहीं, स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते तो वो भी हमें कहीं नहीं दिखा, और देश को बेच कहते कि देश नहीं बिकने दूंगा, पूरा देश बेच दिया। यूक्रेन में हमारे बच्चे भी फंसे हुए हैं, उनको नहीं ला पा रहे हैं, सारा दुनिया के जितने भी बच्चे थे वो जा चुके हैं, हम अब जाग रहे हैं, अब हम राष्ट्रवाद की हम उससे बात कर रहे हैं, तो ये तरह तरह के मुद्दे ला रहे हैं। थोड़ा सा आप नंबर्स चेक करें, कितने भारतीयों की वापसी हुई है, कितने छात्र भारतीय छात्र वापस लाए गए हैं, उसे लेकर लगातार अपडेट्स दिए जा रहे हैं, उसके बारे में 30,000 में से अभी 5,000 बच्चे भी नहीं आ पाए। चेक कर लें सर, उस पर आप चेक कर लें, लेकिन आपने जो दूसरी बात उठाई है, जो मुद्दे उठाए हैं उस पर गौरव भाटिया से जवाब ले लीजिए। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं 2017 बीता हुआ दौर है बीजेपी के लिए। देखिए अदिति जी, अभूतपूर्व प्यार आशीर्वाद काशी की जनता प्रधानमंत्री जी को दे रही है, और इसकी एक वजह है जिस तरह से एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदर्श सांसद बन के दिखाया है, तो वहां की जनता भी बड़ा दिल दिखा के उन्हें आशीर्वाद देती है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जैसे जैसे 10 मार्च पास आ रही है ना अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी उस छात्र की तरह है जो हमेशा सफल हुआ जिसने पूरे 5 साल मेहनत करी, योगी आदित्यनाथ जी ने मेहनत करी, तो हमें तो विश्वास है इतिहास लिखा जाएगा, और 3 दशक से जो नहीं हुआ कि किसी की सरकार दोबारा आती है और ज्यादा सीटों से आती है, ये हम करके दिखाएंगे। दूसरी तरफ सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, अगर मुझे सही जानकारी है तो सपा तो अपना अधिकृत प्रवक्ता भी डिबेट में नहीं भेज रही, उनको पता है फजीहत होने जा रही है, इसीलिए वो लोग चर्चा से भाग रहे हैं। और 10 मार्च को आप देखिएगा, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाएंगे वैसे ही सारे चैनल से सपा के प्रवक्ता भी गायब हो जाएंगे। और एक बात जरूर कहूँगा, पूर्वांचल में अंतिम जो चरण है उसका मतदान होना है, वहां पे जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम हमने देखा काशी में बना है, या पूर्वांचल एक्सप्रेस है, ये एक समागम है अपनी संस्कृति को समेटे हुए कैसे विकास आगे बढ़ाएंगे ये दर्शाता है। और ना विकास जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समझ में आएगा, ना संस्कृति से इनको कोई मतलब है, और इसीलिए जनता इनसे नाराज भी है और पूरी तरह से इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ठीक है, आप कह रहे हैं जनता इनसे नाराज है, ये कह रहे हैं जनता आपसे नाराज है, जनता किससे नाराज है जनता बता देगी, लेकिन उससे पहले एक कमेंट अफसर जी, उन्होंने क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया, आपके जो बड़ी टॉप लीडरशिप है इस समय बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं हम अपने दर्शकों के सामने कि अगर नर्व सेंटर कोई है तो वो वाराणसी में इस वक्त नर्व सेंटर दिखाई दे रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, वो समाजवादी पार्टी अलायंस हो या कांग्रेस पार्टी हो। देखिए, सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सभी को,
अफसर जी आपको फ्लो देंगे, कुछ तस्वीरें वाराणसी से मिल रही हैं, वो तस्वीरें जरा अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद मैं आपको वापस मंच देती हूं। बोलिए अफसर जी। देखिए, जैसे कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी जी की पूर्व विश्व में धाक है, उसी धाक के तहत अगर मोदी जी ये रोड शो ना करके रूस से ये कहते कि ये युद्ध को रोक दो, तो शायद ये युद्ध अब तक रुक जाता, या हमारे जो बेगुना नागरिक वहां फंसे हुए हैं, जिनमें एक या दो नागरिक मारा भी गया है हमारा, वो ना मारा जाते, उनके परिवार में ये जो शोक का माहौल है वो अब तक नहीं होता। अगर इस रोड शो को ना करके ये काम पहले ही कर लिया जाता, युद्ध रोकने वाला, इस रोड शो की इतनी जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को जितनी युद्ध रोकने की जरूरत है। हिंदुस्तान एक तेल आयात बड़ा देश है, अभी आप देखेंगे 10 तारीख के बाद तेल की कीमतों में ये 10 से 15 रुपए का उछाल आएगा अचानक, तब कोई नहीं बोलेगा इस चीज को। ये काम पहले करना चाहिए था इन्हें, मोदी जी को पहले ये काम करना चाहिए था, युद्ध रुकवाना चाहिए था बीच में पड़ते इसके। सर आप इस रोड शो की, इस मेगा रोड शो की कोई जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, आप एक पॉलिटिकल इवेंट से जुड़ी हुई तस्वीरें देख रहे हैं, वाराणसी में प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरों को आपने ले जाकर कनेक्ट कर दिया है सीधे रूस और यूक्रेन वॉर से, और आप उसमें क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं सर यहाँ? इस रोड शो से क्या फायदा होने वाला है? आप एक एक इस रोड शो से क्या फायदा होने वाला है? लोकतंत्र का महापर्व चुनाव, उसमें प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, आपके नेताओं ने क्या अपने जितने कैंपेन से बंद कर दिए हैं क्या, क्योंकि वहां पर युद्ध हो गया? नहीं, आपके नेताओं ने कैंपेन्स बंद किए हैं क्या? जी नहीं, ये फर्ज हमारे नेताओं से जो होना था वो कर रहे हैं, मगर इस काम को मोदी जी बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं। अगर मोदी जी बीच में पड़ते भी डिसाइड करेंगे इस देश की, आप अपनी सुविधा के हिसाब से लोकतंत्र के महापर्व को कहेंगे, इसमें तो इस तरह के आयोजन होने ही नहीं चाहिए। सर ये किस तरह की बातें आप करें? अश्विनी हमारे साथ है, अश्विनी किस तरह की तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? इससे पहले जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं उसमें कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह, और प्रधानमंत्री की लीडरशिप के बारे में कहा जाता है वो अपने वर्कर्स के बीच जा कर उनमें उत्साह जोश जुनून भरने में यकीन रखते हैं। अश्विनी आवाज आ रही है अब तक? जी, सवाल दोहराइएगा कि आप वहां पर जो ताजा तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह का जोश और उत्साह वहां पर जो लोग मौजूद हैं, और साथ ही जो बीजेपी के वर्कर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनवाई। जी, मैं सीधी तस्वीर दिखाता हूं, हालांकि होटल से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं एक टेरेस पे हूं। अब तस्वीर देखिए, ये जनसैलाब अचानक काफी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है, और आप देखिए ये जो रोड कुछ दूर बीच में खाली दिखाई दे रहा था, और आप देखिए बड़ी संख्या में जिस तरफ से नरेंद्र मोदी का काफिला आने वाला है उस तरफ से ये भीड़ आ रही है, यानी कि अब कुछ मिनटों के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जहां पर हम खड़े हैं कबीर चौरा पर, यहां पर पहुंच जाएगा। और आप देखिए कि कितनी संख्या में पूरा रोड जो है इस वक्त जनसैलाब से पटा है, लोगों का बड़ा हुजूम इस वक्त आप इस जो है सड़क पर देख सकते हैं। आमतौर पर हमने 2017 में जो कवरेज की थी उस वक्त बड़ी सक्रिय छोटे छोटे रास्ते थे, बड़ी सक्रिय गलियां थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर सांसद बनने के बाद हमने देखा कि सड़कें काफ़ी चौड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो एक जाल बिछा रहता था केबलों का, वायरिंग का, लाइट के केबलों का, वो काफ़ी हद तक अब ठीक हुआ है। और आप देखिए एक गाड़ी दिखाई दे रही है इस क्राउड के ठीक पीछे,
यानी कि कॉन्वॉय का हिस्सा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो अब उम्मीद है कि कुछ मिनटों बाद कबीर चौराहे के पास उनका जो रोड शो है वो पहुंचेगा, और यहाँ पर जो लोग हैं सड़कों के किनारे खड़े हैं वो प्रधानमंत्री का अभिवादन पर इसके असर, तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये कवर करेगा, कैंटोनमेंट, वाराणसी नॉर्थ एंड वाराणसी साउथ। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव भाटिया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो नेता कह रहे हैं कि युद्ध रुकवाना चाहिए था, रोड शो की क्या जरूरत थी? देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के लिए तो क्या कहा जाए, इनके रोड शो होते हैं ना आदित्य जी, 500-500 रुपए देते हैं तो भी 50 लोग इकट्ठे नहीं होते राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के लिए। तो जब श्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में जन सैलाब आता है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कांग्रेस हेडक्वार्टर से धुआं निकलता है, और ये वाजिब भी है क्योंकि भीड़ और कांग्रेस पार्टी का तो दूर दूर कोई नाता ही नहीं है। और मैं इतना ही कहूंगा, बंटी हुआ फेल है और बबली की गाड़ी हुई डीरेल है, और इसीलिए इनसे अगर आप पूछेंगी कि कितनी सीटें आएंगी तो ये बता नहीं पाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जरूर कह रही है कि एक या दो सीटें भी कांग्रेस पार्टी की इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसको ये भी नहीं पता होता है कि लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है और राइट क्या कर रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें सभी पार्टियों ने श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उस पर आस्था जताई है, और ये यहाँ पे कह रहे प्रवक्ता हैं या जो भी समर्थक हैं कि युद्ध रुकवा देते। अरे आप ये बताइए, जो कूटनीतिक मामले हैं, डिप्लोमेसी के मामले हैं, वो तो सरकार पे छोड़ दीजिए, और ये भी कहना यहाँ पे उचित होगा कि 6200 भारतीय वापस लाए जा चुके हैं और अभी आज उम्मीद है 7400 और भारतीय वापस आ रहे हैं। ये ताकत है आज भारत की, और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन गांधी परिवार तो केवल राजनीति करना जानता है। चर्चा काशी पे थी, चले गए यूक्रेन की पे। ठीक, मेरे सहयोगी राजू राज हमारे साथ है। राजू राज, प्रधानमंत्री का ये रोड शो, आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से कितना दूर, किस तरह की तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं इस वक्त? और वाराणसी, जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि ये नर्व सेंटर है इस वक्त, जो ग्रैंड फिनाले है, सेवेंथ फेज है, उससे पहले वहाँ पर किस तरह का जोश उत्साह ग्राउंड पर? बिल्कुल अदिति, बता दूं कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का काफिला है रोड शो आने वाला, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये मैदानगिरी का इलाका है, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोगों का जन सैलाब है। एक तरफ यहाँ पर काशी में जो फूल की होली, उसके अलावा जो भस्म की होली होती है वो यहाँ पर करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा पूरे चारों तरफ आप देखेंगे, जहाँ जहाँ तक नजर आएंगी लोगों का जन सैलाब बढ़ता जा रहा है। तमाम जो जितने छते हैं अदिति, छतों की तस्वीरें दिखाना भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से महिलाएं, बच्चे, चाहे आसपास के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर छतों पर खड़े हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं। 10-11 बजे से मैं हूँ यहाँ पे, और उस वक्त से मैं तस्वीर देखा हूँ, लोग पहले से ही अपना जगह सुनिश्चित कर रखे हैं कि जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर आएगा तो वो चूक ना जाए प्रधानमंत्री को एक नज़र देखने से। इससे पहले भी प्रधानमंत्री का रोड शो हमने देखा और जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी, और ठीक उसी अंदाज में आज भी यहाँ पर भीड़ उमड़ी है और लगातार यहाँ पर काफी संख्या में, देखिए हमारे पीछे भी आपको छतों पर नजर आएगा, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, तमाम लोग, और चारों तरफ से देखिए इंतजार है। लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा जब प्रधानमंत्री का रोड शो इस जगह पर पहुंचेगा, लेकिन इसमें हम आएंगे आपके पास। आप कह रहे हैं 15 से 20 मिनट का इंतजार और करना पड़ेगा जब प्रधानमंत्री का रोड शो, प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय है वहां पहुंचेगा। आएंगे आपके पास राजू राज, कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। जल्दी से संजीव जी, एक कॉमेंट आपका, जब पूर्वांचल की बात की जाती है तो पूर्वांचल अगर बीजेपी के लिहाज से बात की जाए तो इम्तिहान योगी आदित्यनाथ का भी और इम्तिहान प्रधानमंत्री मोदी का भी, तो बड़ा मैसेज पूर्वांचल से दोनों ही लीडर्स के लिहाज से। हाँ देखिए, ये अगर हम लोग अभी मेगा फाइनल की बात कर रहे थे तो ये 7 एपिसोड का ये इलेक्शन था, ये इसका फाइनल एपिसोड है। अब ये इंसिडेंस मान लीजिए या प्लानिंग मान लीजिए कि इसका जो
सेमीफाइनल एपिसोड था वो योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र था, जो छठा चरण था वो गोरखपुर में हुआ, सातवां चरण आते आते बनारस में चुनाव हो रहा है। बनारस सिर्फ बनारस नहीं, मऊ, मिर्जापुर, ये पूरे आसपास के इलाके को, गाजीपुर, इनको कवर करता है। इसीलिए आप देखिए दो दिन पहले गाजीपुर में मोदी ने मनोज सिन्हा की चर्चा की, उन्होंने कहा कि आपने हमें एक रत्न दिया है। यहाँ वो खुद आए हैं कल, अच्छा जो ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कांग्रेस से या भाजपा से भी जो लोग बोल रहे थे, कुल मिला के वो मैसेज कल मोदी दे चुके हैं। उन्होंने बनारस से आए लोगों से बात की और आप इंसिडेंट उसमें भी एक मुस्लिम बच्ची भी शामिल थी, तो मोदी जी ने बताने की कोशिश की कि इसके साथ हैं और सारे लोग हमारे साथ हैं। तो और आज अब इसके अलावा यहाँ पर इस आज के रोड शो से पहले नरेंद्र मोदी अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से एक बार मिल चुके हैं, वो बूथ लेवल मीटिंग हो चुकी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इस शहर के सांसद भी हैं, एक सांसद के रूप में वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपनी जनता से मिल रहे हैं, अपने वोटर से मिल रहे हैं जिससे उन्होंने 2019 में वोट मांगा था। तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि होगा और यहां से पूरा मैसेज जाएगा, क्योंकि आज अखिलेश भी वहां है, कल ममता बनर्जी भी वहां थी, आज प्रियंका और राहुल आज काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने भी गए थे, तो ये पूरा मैसेज आज बिल्कुल डिफरेंट सा है। और उस मैसेज को आज मोदी जी अपनी स्टाइल, आज मोदी जी की स्टाइल देखिए, आज टोपी उन्होंने बड़ी डिफरेंट लगा रखी है, आज गमछा उन्होंने छोटी लंबाई का पहना हुआ है जो बनारसी पहनते हैं, आप देखिए गमछे की लंबाई उतनी नहीं जितनी सामान्यता मोदी जी के गमछों की लंबाई होती है। तो वो मोदी जी बता रहे हैं कि नहीं, वो अगर हमें गंगा माँ ने बुलाया था तो अभी तक गंगा माँ ने हमको सहेज के रखा है और हमें आगे भी सहेज के रखेंगी। अब कितना आशीर्वाद देती है ये स्ट्रेटेजिक अलायंस, उसके लिए भी मार्च 10 तक का इंतजार करेंगे, उसके लिए भी मार्च 10 तक का इंतजार करेंगे। अली मुर्तजा, आप अपना कमेंट देना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, जाहिर तौर पर आपके आपके खेमे के लिए तो चिंता बढ़ाने वाली ही तस्वीरें हैं। देखिए हमारे लिए चिंता की बढ़ाने की कोई बातें नहीं है, अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि 10 मार्च के बाद विरोधी पार्टियां जो हैं ऐसे गायब हो जाएंगी, गधे किसी ने सुनी। देखिए एक गधे से जो पेड़, शायद वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बोल रहे थे कि गधे से जो प्रेरणा इस देश में किसी व्यक्ति ने लिखी तो हमारे मोदी जी थे। और रही बात जनता की नाराजगी की, जनता तो नाराज है ही, क्योंकि जब मोदी जी 2014 में चुन के आए थे तो इनके सांसदों ने गांव को गोद में लिया हुआ था, अब पता नहीं कि वो अभी गांव जो गोद में ही है ये पांव भी चलने लग गए। और दूसरी बात ये कांग्रेस की प्रवक्ता से भी नूरक किस्तियों शुरू कर दी, कह रहे थे जी मोदी जी युद्ध बंद करवा देना चाहिए थे। अरे भाई भारत जो है नाटो में नहीं आता है, नाटो की श्रेणी में नहीं आता है जो युद्ध बंद करवा देगा, इनसे तो अपने बच्चों को है दूसरे देशों की जो सीमाएं लग रही हैं उनपे बॉर्डर तक पार नहीं करा पा रहे हैं। और झूठ बोलने की तो इंतहा इतनी देख लीजिए गौरव भाटिया की, कह रहे हैं कि एक महीने में तो 6200 बच्चे लाए हैं और एक दिन के अंदर 7400 बच्चे हम आज शाम तक ले आएंगे। बताइए कितनी फ्लाइट्स आ रही हैं आपकी, किस फ्लाइट में कितने आ रहे हैं। अरे कोई क्या नशा करके बैठते हैं क्या, कोई 12वीं के बाद में इंटर करवाता है, कोई 2080 से मोदी जी के साथ बताता है, कोई क्या प्रतियोगिता चल रही है झूठ बोलने की इस देश के अंदर, गुमराह करने की। आप क्या जब बोलते हैं किसी सेंटेंस को, तो निजी हमले नशा करके इस तरह के कमेंट्स मत कीजिए। यहाँ पर तार्किक तौर पर बात रखी जा सकती है, तार्किक तौर पर आप बात रखिए, और इसीलिए आपको बुलाया गया, इसीलिए आपको बुलाया गया है। और समझिए एक और बात, अली मुर्तजा, बच्चों की वापसी पर, भारतीय छात्रों की वापसी पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सरकार को अकाउंटेबल होल्ड कीजिए, लेकिन उस पर सियासत मत कीजिए सर, उस पर सियासत मत कीजिए। और थोड़ा सा पढ़िए कि यूक्रेन में कितने देशों के नेशनल्स जो सर सुन लीजिए, कितने देशों के नागरिक जो हैं वो वहां पर हैं और कितनी कंट्रीज वहां पर इवैक्यूएशन कर पा रही हैं, पहले से ये एक पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड होना भी जरूरी है। कोई भी चीज आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है, ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ये समझ होनी चाहिए आपको। गौरव भाटिया इनके जो आपसे सवाल है उस पर आपका जवाब। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, पहले तो जाके समाजवादी पार्टी से कहिए डरपोक पार्टी अपने प्रवक्ता भेजे, हिजाब पे चर्चा क्या चालू हुई, विकास पे दो प्रश्न क्या पूछे है, तो अपने प्रवक्ता भेजना बंद कर दिया। लेकिन इन्होंने जो अपशब्द कहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, मैं एक बात याद दिला दूं, एक बार जो बबुआ मुख्यमंत्री रहे थे ना अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था इसी तरह से कि गुजरात के दो गधे, और जनता ने बताया कि अगर सबसे बड़ा गधा कोई है तो वो अखिलेश यादव है, और उसके बाद प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। दूसरी बात जो मैंने बात कही बड़ी जिम्मेदारी से, गौरव भाटिया उन्होंने बार बार आपसे आपसे भी कह रही हूँ, उनसे भी कह रही हूँ, सबसे कह रही हूँ, गौरव भाटिया प्लीज थोड़ा सा तार्किक लेवल पर हम इस चर्चा को करेंगे तो दर्शकों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बिल्कुल
लोगों को इश्यूज समझ में आएंगे और उन्हें आपके मुद्दे भी समझ में आएंगे सर। सुनिए, इस तरह की निजी टिक्का टिप्पणी, निजी हमले से कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। प्लीज बात पूरी कीजिए जी, प्लीज बात पूरी कीजिए। अदिति, अदिति जी क्या पी के बैठते हैं सर? आई इंस्टेंटली ऑब्जेक्टेड, ये मैं समझता हूँ तार्किक चर्चा नहीं है। नहीं नहीं, इंस्टेंटली ऑब्जेक्टेड, अदिति जी, लेकिन लेकिन ये तथ्य मैं सामने रख दूं। देखिए 18 फ्लाइट जो है आ रही हैं भारत, जिसमें 7 रोमेनिया, 5 हंगरी, 3 पोलैंड से हैं, 2 और एक और शहर है रोमेनिया का, सुसेरा यहाँ से, और 1 स्लोवाकिया से। और इसके अलावा जो हमारे भारतीय वायुसेना के बड़े विमान है उसकी भी सेवा ली जा रही है। और इनको ये भी नहीं पता है, कह रहे 1 महीने में 6200 लाए भारतीय। अरे ये अभी कुछ दिन पहले ही अभियान गंगा जो है चालू हुआ है, और उसमें हमारी एक बड़ी उपलब्धि है कि जहां दूसरे देश अपने नागरिकों को बाहर नहीं निकाल पा रहे, हमने निकाला है। लेकिन मैं एक बात और कह दूं, इन्होंने बच्चों की बात करी थी, अतिथि जी इनसे ये ज़रूर पूछिएगा, अगर ये इतने मजबूत थे तो ममता बनर्जी जो कि उत्तर प्रदेश वालों को बाहरी बुलाती हैं, उनको बुलाया गया उत्तर प्रदेश, और हम तो उनका स्वागत करते हैं क्योंकि वो भी एक भारतीय नागरिक है, लेकिन जनता ने उनको काले झंडे दिखाए। वो झंडे काले इसलिए दिखाए थे क्योंकि अखिलेश यादव सफाई महोत्सव कर रहे थे, जब 65,000 लोग ठंडी रात में टेंट के नीचे थे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद। और यही फर्क आया है कि आज कानून व्यवस्था उचित हो गई है। इनके समय में गुंडा राज हुआ करता था, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी प्रदेश को चलाते थे, और इसीलिए मैं कहता हूँ अखिलेश यादव में खुद इतना दम नहीं है कि वो आके चर्चा कर ले, योगी आदित्यनाथ जी तो छोड़िए हमसे चर्चा कर ले, अगर हम उनसे सवाल पूछ लेंगे तो वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, इस वक्त तस्वीरें आ रही है, मेरे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, आप क्या वहां पर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री को? जो तस्वीरें हम यहां पर देख पा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर वेव करते हुए, लोग उनकी तरफ वेव करते हुए, फूल बरसाए जा रहे हैं, और क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं बताइए दर्शक जी। बहुत अद्भुत तस्वीर है, और आप देखिए सड़क के दोनों तरफ, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से थोड़ा इस तस्वीर को पूरी तरह से खोलें, और आप जैसे ही देखिए हम इसे जूम आउट कर रहे हैं, और सड़क की दोनों तरफ आपको सिर्फ जो है यहाँ पर जन सैलाब दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कॉन्वॉय से में जो है उनकी गाड़ी जो लगी हुई है उसमें से बाहर निकले हुए गाड़ी से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी पर हैं उस गाड़ी की तस्वीर आप देखें, मैं कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने की, आप देखिए पूरी तरह से फूलों से पट्टी हुई है, लोगों ने उनके ऊपर फूल की वर्षा की हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से हाथ जोड़कर, उन्हें हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और आप देखिए खिड़कियों से लोग उनके ऊपर फूल की वर्षा कर रहे हैं। इस तरह मैं तस्वीर दिखाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो मोदी के कॉन्वॉय पर जहाँ मोदी हैं, देखिए फूलों की वर्षा खिड़कियों से लोग कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों में किस तरह का जो है उनके प्रति आदर है, सम्मान है, वो इन तस्वीरों से साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लंबी कतार है लोगों का, जनसैलाब प्रधानमंत्री के साथ इस पूरे रोड शो में मौजूद है, एक झलक पाने के लिए अलग अलग जगहों से। मैं थोड़ी तस्वीर कोशिश करता हूं कि नरेंद्र मोदी से अलग एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं, जो लोग इस वक्त प्रधानमंत्री को देखने के लिए छतों पर खड़े हैं। ये देखिए यहां पर लोग छतों पर खड़े होके कोशिश कर रहे हैं कि उनके कैमरे में प्रधानमंत्री की एक छोटी सी तस्वीर कैद हो जाए। वो लोग यहाँ पर अभिवादन करने पहुंचे हैं, सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये तस्वीर देख के 2017 में जो हमने देखा था वो सब कुछ एक बार फिर से वो याद ताजा हो गई। और आप देखिए प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए लोग किस कदर जो है एक झलक पाने के लिए यहाँ पर उन्हें देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनसैलाब करीब करीब 1.5 किलोमीटर तक इसी यही स्थिति है जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं कबीर चौरा पर, यहां से लेकर इसके पीछे और इसके ठीक आगे जो है इस तरह की स्थिति है जिस इमारत पर हम खड़े हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्वॉय वो इस इमारत के नीचे आ चुका है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जो है इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, और आप देखिए वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं जो है वो प्रधानमंत्री का को अभिवादन करने के लिए खड़ी है। राजकीय जिला महिला चिकित्सालय में जो इस वक्त पेशेंट आए हैं, जो नर्सेस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो सब लोग बाहर हैं, गेट पर खड़े हैं, और
देखिए कि एक रेडियस बनाया गया है जिसमें एसपीजी कमांडो, इसके अलावा स्थानीय पुलिस ये मौजूद है, जो लगातार ये जो है सुरक्षा में लगी हुई है, और प्रधानमंत्री हर किसी को जो है हाथ हिलाकर उसका अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जैसा मैं बता रहा था कि काफ़ी दूर तक ये तस्वीर है, आप जहां तक आपकी नजर जाएगी, मैं कैमरे के नजरों से दिखाने की कोशिश करता हूं। दर्शकों को दिखा रहे हैं लोगों का जोश, उत्साह, जुनून, जज्बा, और जहां तक आप देखेंगे लोग दिखाई दे रहे हैं भारी संख्या में वहां पर। कई खास मेहमान भी हमारे साथ हैं शंभुनाथ जी। जैसा कि ये सिर्फ तस्वीरें भर नहीं है, ये सिर्फ एक इवेंट भर नहीं है, इसका एक नतीजा तो दिखाई देगा मार्च 10 को, और बड़े नतीजे की बात अगर की जाए तो 2024, क्योंकि इन तस्वीरों में जो मैसेज है वो बड़ा मैसेज है, वो सिर्फ वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राह कितनी मुश्किल या कितनी आसान रहने वाली है उसका भी एक इंडिकेशन इससे मिलने वाला है। पूर्ण है 2022 तो एक ट्रायल भरे है, तो प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं, वाराणसी से वो दो बार लगातार सांसद हुए, इसके अलावा वो खुद भी कहते हैं गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, काशी कॉरिडोर बनाया, और काशी की गलियां जो बहुत ही सकरी थी जिनमें गुजरना मुश्किल था, कहा जाता था राण साण सुड़ी सन्यासी, इनसे बचे सो सेवे काशी, ऐसी काशी की उन्होंने सड़कें चौड़ी कराई और एक सुंदर तो बनाया है। आज अगर कोई भी नेता जाता है, जैसे सुबह प्रियंका गांधी या राहुल गांधी भी गए होंगे, तो वो खुद उन्होंने देखा होगा कि कितना काशी की काया पलट तो किया गया है, तो जो चीज की गई है उसको तो काशी वाले भी स्वीकार करते हैं। लेकिन साथ में ही अभी आपके चैनल में एक जो आम पब्लिक में से बात कर रहे थे, तो किसी ने कहा था कि ये मोदी जी तब कहां थे जब कोरोना आया था और कोई ना तो इनका विधायक दिखाई पड़ रहा था ना कोई सरकार दिखाई पड़ रही थी, ये भी महत्वपूर्ण है। तो 2022 में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया है वो ज्यादा प्रभावी होगा, 2024 में प्रधानमंत्री के अपने काम प्रभावी होंगे, उसके अलावा खासतौर पे अभी दो लोगों की मैंने बहस सुनी, कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता की, कि यूक्रेन को लेकर के किस तरह से मतलब दबाव दिए गए, लेकिन मुझे लगता है कि यूक्रेन के मामले में सरकार ने ठीक फैसला किया हुआ है, भाई किसकी तरफ से बोलेगी, ना इधर से बोल सकती ना उधर से, कूटनीतिक फैसले हैं, उन पर तो टिप्पणी शो में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी राजनीति की गई। ये जो मामला है जो आज प्रधानमंत्री गए हैं वो एक उनका राजनीतिक दौरा है, जाहिर है चुनाव है, वहां 7 तारीख को वोट पड़ेंगे, तो इन वोटों के लिहाज से कैसे काशी को बचाए रखा जाए, और अकेले काशी नहीं, काशी मंडल में आने वाले सारे जिले, मिर्जापुर मंडल, इन सब पर प्रधानमंत्री की इस रैली का असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। जी अदिति, तो एक बड़ा मैसेज इन तस्वीरों में है, जिसके बारे में हम बार बार यहाँ पर बात करें। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि त्रिपाठी, आपके प्रधानमंत्री का ये रोड शो, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं, पुष्प फूल बरसाए जा रहे हैं, और एक एक वहां पर जो ग्राउंड पर सेंस है वो जोश और उत्साह वाली है। पॉलिटिक्स से दूर अगर बात की जाए इन तस्वीरों की, तो बहुत जोश और उत्साह इन लोगों में दिखाई देता है। आप ऐसे ही कुछ लोगों से बात कराएं, उनमें ग्राउंड पर क्या सेंस है इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन लोगों से बात कराऊंगा जो बीजेपी के लोग भी हैं और इस रोड शो में शामिल हैं। आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से पहले और रोड शो के बाद बहुत हालात बदलता है, और लोग ये मानते हैं काशी में, सुबह से हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और रोड शो होगा उसके बाद पूरे हालात बदल जाएंगे। क्या भाई, क्या मोदी जी के आने से हालात कैसे बदल जाते हैं? मोदी जी के आने से हालात ही नहीं, यहाँ के सारे जज्बात बदल चुके हैं। जो मार्जिन अभी हम लोग सोच के चल रहे थे वो मार्जिन दुगनी तिगनी होने वाली है, और घर घर मोदी, हर हर मोदी हो चुका है। जोश नहीं दिख रहा आप लोगों में? हम लोग बहुत जोश है। नौजवानों के लिए क्या हुआ यहाँ काम? नौजवानों के लिए यहाँ पे अच्छी जो है कि उनको जॉब दिया गया है, और उनके लिए काफी अच्छे मतलब काम किए गए हैं यहाँ पे। जो विश्वनाथ काशी बदला है कि नहीं बदला है? काशी क्या बदला है सर? चेंजिंग से बहुत सारी आई है सर। क्या बदला है सर? सब पूरा शहर बदल चुका है। क्या था पहले, क्या था ऐसे 5 साल पहले? कबाड़ था एकदम, पहले एकदम कबाड़ था, आज रोड व्यवस्था, विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, सब कुछ देखिए। मैं काशी जनता से एक बात कहना चाहूंगा,
जो भी विपक्षियों को वोट देते थे वो एक बार विश्वनाथ कॉरिडोर घूम के चले आए, उनके पत्नियां, उनके बच्चे, उनके सब वोटर भाजपा के हो जाएंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव का नारा। और ये विश्वास है लोगों को, काम हुआ। इससे पहले कबाड़ा था, यहीं के लोग कह रहे हैं आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के, बनारस के। बाहर से तो नहीं आए? नहीं नहीं नहीं। आप कहाँ के रहने वाले? हमें यहीं के रहने वाले हैं, बनारस। क्या दे दिया मोदी जी ने आपको? बहुत कुछ दिया है सर, बहुत कुछ दिया है सर, दिल दे दिया है, पूरा राशन हम गरीबों को दिया है, मामूली राशन बांटा है। मेन चीज विकास, राशन, गरीबों को राशन, सब व्यवस्था, शौचालय, सब कुछ मिल रहा है आपको? जी जी सर, सब कुछ मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है। मोदी जी के आने से हालात ही नहीं, जज्बात भी बदल जाते हैं। क्या कहेंगे आप इन लोगों को? देखिए, कोई हालात नहीं बदले हैं, कोई हालात नहीं बदले हैं। ये तो लोग लाइक एंड कमेंट्स वाले हैं, ओनली एक दो रुपए में आ जाते हैं। देखिए, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा से इसमें बुलाए गए हैं, आप ही के माध्यम से, आप ही के चैनल के, आप ही के संवाददाता दिखा रहे हैं। आपके आपके आपकी पार्टी और आपके अलायंस द्वारा जो शक्ति प्रदर्शन किया गया था उसमें भी सेम ही आरोप लगे थे। ये तो पॉलिटिकल नहीं, आप ही देखिए, आप ही के चैनल के माध्यम से, आप ही के संवाददाता दिखा रहे हैं कि जो लोग जो दिखा रहे हैं वो खुद लोग बोल रहे हैं कि हम झारखंड से हैं। लोग जो बोल रहे हैं वो ये भी तो बोल रहे हैं, हालात ही नहीं जज्बात भी बदल जाते हैं, उस पर तो जवाब दीजिए। अभी आप हालात को सुना नहीं, आप यही सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है। उन्होंने पूछा स्पेसिफिक, हालात और जज्बात बदल चुके हैं, मोदी जी बाहर से आए हैं सर, आपने वो नहीं सुना? आपने वो नहीं सुना? हालात देखिए, हालात और जज्बात बदल चुके हैं। आप ही के जो अभी वरिष्ठ पत्रकार थे वो बता रहे थे कि अगर कितनी एंटी इनकम्बेंसी है कि इनके विधायकों के खिलाफ वो वोट तक नहीं मांग पा रहे थे। देखिए, और रही बात आपकी पार्टी को लेकर जो कह रहे हैं, आपकी पार्टी तो सिर्फ एक जाति विशेष की परवाह करती है और किसी की तो चिंता है नहीं, परिवारवाद है आपकी पार्टी में, सिर्फ एक जाति विशेष की चिंता है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और परिवारवाद की वो बात कर रहे हैं। देखिए, अगर सबसे ज्यादा अगर आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं तो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी में परिवारवाद है। देखिए, जो हमारे जितने भी वसुंधरा राजे के जो भतीजे हैं, आप ही के मिनिस्टर हैं, तो बहुत ऐसा कोई नहीं है कि आपकी परिवारवाद में आपके इनके नेता नहीं है कि घर और परिवार में दो दो तीन तीन चार चार टिकटों के लिए लोग लड़ रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात जनता की, जनता इस टाइम जो है बेरोजगारी से त्रस्त है, और बेरोजगारी का मुद्दा, सांडों का मुद्दा, और जो कोरोना काल में जो जिस गंगा माँ ने बेटा ने बुलाया था, गंगा माँ को साफ करने की बात की थी, उसमें गंगा से लाशें भर दी गई थी, उन्नाव की बेटी का बलात्कार कर दिया गया था, वो बेटियों के, हिंदू बेटियों को जो है दाह संस्कार रात में किया गया हिंदू परंपराओं को ताक पे रख के, तो इससे बड़ा और अपराध क्या कर सकती है उत्तर प्रदेश? खुद ही ले आए इसमें हिंदू, आप पर आरोप लगते हैं पोलराइजेशन आपने बता दिया हिंदू बेटी, नहीं नहीं हिंदू बेटी, गौरव भाटिया जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद अश्विनी का रुख करेंगे एक बार फिर से, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए अदिति जी, सपा के समर्थक का भी जो चरित्र है वो सपा की ही तरह है। मुझे नहीं पता था कि अखिलेश यादव जब रथ लेके जाते हैं तो वो जो सारे लोग दिखाई देते हैं वो एक या दो रुपए में आते हैं। आज जो सपा के समर्थक होंगे उनको बड़ा कष्ट हो रहा होगा कि उस भीड़ को ये बिकाऊ बता रहे हैं कि एक दो रुपए में अखिलेश यादव भीड़ जुटा रहे हैं। और गलती इनकी नहीं है, क्योंकि देखिए, छह चरण का जो मतदान हुआ है ना, भारतीय जनता पार्टी 275 से ज्यादा कमल खिला चुकी, लेकिन सपा की साइकिल पंचर थी, पंचर ही हुई, और लोग ये बता रहे हैं कि टायर फट गया है, पहिया अलग हो गया है, गद्दी अलग है और उसका हैंडल अलग है। और मैं एक बात और कह दूं, अभी एक विश्लेषक बहुत अच्छी बात बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी आज ये डंके की चोट पे कह सकती है कि 29 करोड़ टीके लगाए हैं, सुरक्षा कवच जनता को दिए हैं। सपा का पूछे तो ये कहते थे ये बीजेपी का टीका है। हम ये बता सकते हैं कि 15 करोड़ ऐसे उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं जिनको करीब करीब 2 साल राशन मुफ्त में दिया है कोविड की महामारी में, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अपने घरों से निकले नहीं। और आप देखिए, पिछले 7 साल में 32 बार करीब करीब नरेंद्र मोदी जी बनारस गए हैं, काशी को बदला है,
और सोनिया गांधी दो साल में एक बार रायबरेली नहीं गई कोविड के संकट में, आजमगढ़ अखिलेश यादव एक बार गए पिछले तीन साल में, ये हालत है। सार्वजनिक कार्यक्रम में अखिलेश यादव आजमगढ़ जा नहीं सकते, उन्हें अपनी विधायक की सीट चुननी थी वो भी उन्होंने आजमगढ़ में नहीं चुनी, उनको पता था जमानत जब्त हो जाएगी। और इसीलिए पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं जब आप जनता के बीच में काम करते हैं तो जनता का आशीर्वाद। कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बाहर है नहीं। अफसर अली, अफसर अली वारसी, आपका जवाब। अली मुर्तजा प्लीज, अफसर अली, अफसर अली वारसी। जी मैं सुन रहा हूँ अदिति जी, वो पूछ रहे हैं कि आपके नेता तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेरे दोस्त गौरव भाटिया जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम भी करते हैं, नहीं आप कम से कम सराह नहीं पाते तो आलोचना तो मत कीजिए, ये कह रहे हैं वो। जी नहीं, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। पीएम साहब इतना नहीं गए जितना ये गिना रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। दो तीन बार जाने से क्या होता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और दूसरी बात यह है, अभी इन्होंने कहा हमारी पार्टी पे टिप्पणी करी 2022 के चुनाव को लेकर के, तो 2022 का रिजल्ट सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, लिख लीजिए और पर्ची अपनी जेब में डाल लीजिए। पांच राज्यों में 10 तारीख को चुनावी नतीजे आ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, भागने को और छुपने को जगह नहीं मिलेगी बीजेपी वालों को, भागने को और छुपने को, इतना बुरा हाल होने जा रहा है। 5-0 से हार रहे हैं आप, 5-0 से, एक सीट नहीं है, एक प्रदेश नहीं जीत पा रहे हैं आप, एक प्रदेश, इतना बुरा हाल है। और फिर उसके बाद 2024 को तैयार हो जाना, 2024 में भी तुम्हें भागने की और छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। आप अपने प्रधानमंत्री जी की सराहना कर रहे हैं, यह उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर आ रहा है तो किस पे एहसान कर रहा है, इतनी भीड़ जुट रही तो क्या एहसान है भाई। पीएम चेहरा है, पीएम साहब है, अगर इतनी भीड़ आ रही कोई बड़ी बात नहीं है। प्रियंका गांधी जी अगर यूपी में जाती है इससे डबल भीड़ आ जाती है, राहुल गांधी जी अगर जाते हैं इससे चार गुना भीड़ आ जाती है। कहां इस भीड़ को बात कर रहे हैं, सब किराए पे मंगाई गई भीड़ है ये। गौरव भाटिया से मैं जवाब दूंगी, आपने कहा 5-0 से, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, सुन लीजिए मेरी अदिति जी, सुन लीजिए जरा मेरी, 5-0 से, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ठीक है सर, एक सेकंड के क्या आसमान देखता है, एक सेकंड सर, एक सेकंड जवाब लीजिए ना आप, आपने चार बातें इतनी देर में की हैं, जवाब तो ले लीजिए, पहले जवाब लीजिए। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं, राहुल गांधी आते हैं, सोनिया गांधी आती है, इससे ज्यादा भीड़ हो जाती है, वो वोट में तब्दील क्यों नहीं होती, वो अपने आप में अलग सवाल है। ये जानता हूं, वोट में तब्दील क्यों नहीं होती वो एक अलग सवाल है, उसका जवाब अफसर को, अफसर जी को ही देना होगा, लेकिन आप जवाब दीजिए, कह रहे हमारे नेताओं के पास तो इससे ज्यादा भीड़ आती है देखने के लिए। अच्छा अदिति जी एक बात बताइए, प्रियंका वाड्रा गांधी इतनी बड़ी नेत्री हैं, हम तो चुनौती देते रहे कि कोई भी सीट चुन के विधायक का चुनाव ही जीत ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पता था ये वो सोडा बॉटल है जिसका ढक्कन कब का खुल चुका है, इसमें कोई फिज नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है और जमानत जब्त हो जाएगी। ये किस तरह, प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं सर, प्लीज इस नहीं, नहीं, क्या क्या, क्या कोई गलत बात नहीं बोली, नहीं नहीं सर, अदिति जी कोई गलत बात नहीं बोली, आपको क्या वरिष्ठ है सर, आप इतने वरिष्ठ हैं, आप तार्किक तौर पर, आप इतने बड़े लॉयर हैं सर, आप तो अपनी बात और भी पुख्ता अंदाज में और सरल साधारण भाषा में रख सकते हैं सर। देखिए बहुत साधारण भाषा में एक बात बताऊंगा, प्रियंका वाड्रा गांधी ने तो चन्नी जी के बगल में खड़े होके कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के भाइयों को मैं घुसने नहीं दूंगी, ये चन्नी जी ने कहा, और प्रियंका वाड्रा गांधी ताली बजा रही थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता में जो आक्रोश था, प्रियंका वाड्रा गांधी आज कहीं से चुनाव लड़ ले जमानत जब्त हो जाएगी। और दूसरी बात, ये पर्ची की कर रहे थे, इन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस कितने प्रदेशों में जीत रही है, ये भाजपा की बात कर रहे थे, लेकिन मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हम चार प्रदेशों में तो पूरी तरह से जीतेंगे और एक प्रदेश जो है पंजाब में भी हम बहुत बेहतर करने जा रहे हैं, ये हमारा आकलन है। और इसीलिए कहते हैं कि आप दूसरे पे टिप्पणी ना करिए, आप कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस पे बात करिए। और जो पर्ची की आप बात कर रहे थे, वो पर्ची आप परचून की दुकान पे जाइएगा,
उसमें चूरन डालिएगा और कांग्रेस हेडक्वार्टर ले जाइएगा, मुझे पर्ची ना दीजिए। हम लोग, हम वो दरिया है जिससे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देते हैं रास्ते बन जाते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। रास्ते बन नहीं रहे, रास्ते बंद हो रहे हैं आपके। अरे भैया आप तो आओगे नहीं बीजेपी वालों के लिए, हम तो आएंगे 10 तारीख को, तो आप आएंगे नहीं, हम ढूंढेंगे आपके प्रवक्ताओं को, आप मिलोगे नहीं 10 तारीख, आप आना, हम लोग चाय पिलाएंगे आपको, मिलेंगे जहां होंगे आप देखेंगे, आप कहीं नहीं आओगे, हमें पता है। लोकसभा चुनाव के बाद आपके प्रवक्ता 1 साल के लिए गायब हो गए भैया, आपको बता रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद 1 साल तक कांग्रेस का कोई अधिकृत। प्लीज प्लीज प्लीज, इस वक्त मेरे से योगी राजू हमारे साथ है। राजू राज, जो है प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वहां ये तस्वीरें वही की जहां पर इस वक्त आप खड़े हैं, इन तस्वीरों को जरा और डिटेल में डिस्क्राइब करें, प्रधानमंत्री को लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ जोड़कर हम देख पा रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, प्रधानमंत्री का जो रोड शो है, जो कारवा है, ये मैदान दिन पर पहुंच चुका है। और ये देखिए प्रधानमंत्री का जो ये काफिला है, ठीक इन गाड़ियों के पीछे प्रधानमंत्री की गाड़ी है, जो वो लोगों का अभिवादन ले रहे हैं। और आगे की गाड़ियां जो देखिए, जहां पर सिक्योरिटी के जो स्टाफ है, जो प्रधानमंत्री के साथ सिक्योरिटी होती है, वो गाड़ियां आगे आगे चल रही है। और यहां पर तमाम जो दूर से देख रहे हैं, लगभग 500 मीटर का ये स्ट्रेच आपको नजर आएगा, और इस स्ट्रेच पे तमाम लोग, जितनी भीड़ आपको सड़कों पर नजर आ रही है, उतनी ही भीड़ यहाँ पर छतों पर नजर आ रही है। और लगातार प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन लेते हुए मैदान की चौराहे पर पहुंच रहे, तमाम लोग यहाँ पर है मौजूद है। देखिए लगातार भीड़ की बात होती है, और जो भीड़ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कई संकेत है, कई मैसेज है, इसको 2017 की बात करें या फिर आप जिस तरीके से पूर्वांचल में सातवें चरण का चुनाव होना, उस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के रोड शो में इस तरह का भीड़ उमड़ना, जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है 10 तारीख को नतीजे जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यालय है। और बनारस की बात करूँ, आज पिछले लगातार कुछ दिनों से जब मैं बनारस में हूँ, तमाम लोगों से बात किए, तो निर्विरोध रूप से प्रधानमंत्री को लेकर लोगों के दिल में एक स्नेह है। और यही वजह है कि आप यहाँ जो तस्वीरें देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखिए कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहा है, स्वागत की तैयारियाँ हैं, जो लोग छतों पर हैं अपने पक्षों में फूल लगा रखे हैं और फूल के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और भीड़ जो है, अदिति बताऊंगा, भीड़ ये हजारों की तादाद में भीड़ है, और जहां से ये काफिला निकला है वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, उसे पूरा किया गया है, और उसके बाद उस स्ट्रेच को पूरा करने में लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग चुका है, और उसके बावजूद यहां पर ये जो काफिला काफ़ी धीरे धीरे निकल रहा है। मैदानगंज से ये काफिला गदौलिया चौराहा जाएगा और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर तक, लेकिन इस बीच में जितनी भी भीड़ है, तमाम लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो लगातार जो पैनल में बैठे हुए हैं। आपके पास कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। संजीव जी, कमेंट में आपको जा रही थी, जो वन मैन शो की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हमने देखा है कि वो कैंपेन के लिए आते हैं, वो अपनी पार्टी की मदद करने के लिए आगे आते हैं, और पार्टी के सबसे बड़े, बीजेपी के अगर सबसे बड़े मैच विनर की बात की जाए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बड़ा मैच विनर इस पार्टी के पास नहीं है। और उस लिहाज से भी ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस और अहमियत समेटे हुए हैं। देखिए मोदी जी ने प्रूफ किया है कि वो मैच विनर है। कई बार क्या होता है, जिससे अब आप भाजपा के थोड़े पुराने इतिहास में जाइए, तो एक समय में तो अटल जी थे, अटल जी के बाद फिर आडवाणी जी आए, अटल आडवाणी की एक जोड़ी आई। जब मोदी जी के पहले इनिंग थी तो थोड़े दिन तक राजनाथ जी के साथ चले, उसके बाद फिर अमित शाह। अब अल्टीमेटली एक चीज प्रूफ हो गई कि मोदी जी इज द ओनली वन जो एक नाव को पार ले जा सकते हैं। तो मोदी जी जब खेवैया है, मजबूत है, तो वो आते हैं। दूसरी बात क्या, मोदी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मोदी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मोदी जब खुद संभालना शुरू कर देते हैं, तो एक मैसेज दूसरा जाता है ना, गड़बड़ करते हैं उनकी पार्टी के लोग, वो दोनों तरफ है। जैसे अभी आपने सही टोका गौरव जी को, ये हल्की बात उनको करनी ही नहीं चाहिए थी, उनके जैसे गंभीर आदमी। और भाजपा संस्कारों वाली पार्टी है, भाजपा अपने आप को संस्कारों वाली पार्टी कहती है, अगर उसका प्रवक्ता सोडा बोटल एक महिला के लिए कहने लगेगा,
ये गड़बड़ हो जाएगी, इससे बीजेपी की इमेज खराब होती है, पोजीशन खराब होती है। तो मोदी जी जो अच्छा करते हैं वो ये लोग थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन खैर ये छोड़िए, अल्टीमेटली मोदी जी ने बनारस में जाके एक बार फिर साबित किया है कि वो बनारस के लाडले हैं और उनको माँ गंगा ने बुलाया था और वो प्रूव कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट कितना होता है ये बगल में ये 10 तारीख को क्लियर होगा। जल्दी से एक कमेंट शमुनाथ जी, इसी पॉइंट पर आपका भी, प्रधानमंत्री हैं लेकिन बावजूद इसके चाहे लोकसभा चुनाव हो विधानसभा चुनाव, हमने प्रधानमंत्री मोदी को हर रण में मैदान पर देखा है। अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी अगर क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करूं तो अपनी पार्टी के लिए स्टैंड लेते हुए, अपनी पार्टी के लिए बैटिंग करते हुए, और उनसे बड़ा मैच विनर अगर तथ्यों के लिहाज से भी बात की जाए तो इस वक्त कोई दिखाई नहीं देता है। देखिए ये स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि कुल मिला के ओवरऑल सरकार का दारोमदार प्रधानमंत्री पे होता है और चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसे वोट मांगने प्रधानमंत्री जाते ही हैं। हाँ, इसके पहले भी इंदिरा जी भी जाती रही हैं, नेहरू जी भी जाया करते थे। इंदिरा जी को तो हमने कई बार देखा था कि वो विधानसभा चुनाव में भी वोट मांगने आती थी, छोटे छोटे कहना चाहिए गाँव में भी जाके सभाएं करती थी, ऐसा नहीं था, तब सादगी थी इसलिए गाँव में सभाएं करना भी बहुत दिक्कत नहीं होती थी। राजीव जी भी जाते थे। तो अगर मोदी जी जा रहे हैं तो इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन मोदी जी में थोड़ा ज्यादा कुछ, जैसे अभी कल भी उन्होंने की, आज भी दी, लगभग रोजाना ही उनके शो लगे हुए हैं। इस बार कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने बड़ी सख्ती बरती थी कि आप बड़ी विशाल पब्लिक रैलियां नहीं कर सकते हैं, शुरू में तो था ही, अब तो ढील दे दी गई है, तो उनके कारण कुछ जगह वर्चुअल रैली हुई। लेकिन प्रधानमंत्री चाहे जहां विधानसभा चुनाव हो, जैसे बंगाल में हम लोगों ने देखा था कितने ज्यादा एक्टिव रहे थे, हमलावर रहे थे। फिर उत्तर प्रदेश, भले वो मूल रूप से गुजरात के हों लेकिन अब उत्तर प्रदेश ही उनका प्रदेश माना जाएगा क्योंकि वो पिछले 2 बार से लगातार वहीं से चुनाव जीत रहे हैं और मेरे ख्याल से 2024 के जब चुनाव होंगे तब भी शायद मोदी जी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़े, यानी बनारस से ही चुनाव लड़े, इसीलिए उन्होंने बनारस के काया काशी का काया पलट किया है, तो वो आएंगे स्वाभाविक तौर पे है। और उनके आने का एक असर पड़ता है, वो सिर्फ बनारस की 3 सीटों पर, शहर की 3 सीटों पर नहीं पड़ेगा, देहात पर पड़ेगा, मैं तो कहता हूँ बनारस मंडल और मिर्जापुर मंडल पर ही पड़ेगा, क्योंकि जो अभी 54 सीटें बाकी बची हुई हैं इन सीटों पर काफी कुछ दारोमदार है। देखिए ये 54 सीटें वो हैं जिसमें कोई पार्टी नहीं कह सकती कि हम जीत रहे हैं। वजह ये कि यहीं पर बीजेपी पिछली बार काफी जीतती रही है, लेकिन यहाँ वो लोग हैं, एक तो जातिवाद का झगड़ा यहाँ बहुत ज्यादा है, कोई एक जात लीड नहीं करती है, दूसरे माफिया वार भी यहीं चले हैं, एक तरह से वर्चस्व की राजनीति का भी अड्डा है। फिर जो हाशिए पर पड़ी हुई जातियां थी, चाहे वो राजभर हों चाहे निषाद हों, ऐसी बहुत सारी जातियां भी इसी इलाके में हैं। फिर नक्सली इलाका भी इस इलाके में है जो सोनभद्र और मिर्जापुर के बीच वाला है। तो ये इन सब चीजों में प्रधानमंत्री का आना यहाँ बहुत आवश्यक था। इससे प्रधानमंत्री आने के से एक सकारात्मक संदेश या कहना चाहिए बीजेपी को थोड़े से राहत मिली है प्रधानमंत्री जब आए हैं। जी जी चलिए कॉमेंट तो जी जी अली मुर्तजा, प्रधानमंत्री के आने से बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव मैसेज, एक सकारात्मक मैसेज और जाहिर तौर पर मैसेज है बीजेपी के वर्कर के लिए भी और वोटर के लिए भी। लेकिन आप जो कह रही हैं मुझे लग नहीं रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, एक्सपर्ट ने कहा है। अच्छा, ये एक्सपर्ट ने कहा, उन्हीं का कमेंट मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद मुझे योगी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ में कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या है कि क्या उनको वो कद बढ़ा देखने नहीं चाहते हैं? देखिए ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये पूरा इवेंट मैनेजमेंट है जो बिहार बंगाल उड़ीसा गुजरात के लोगों को बुला के ये रोड शो किया जा रहा है, क्योंकि ये अपमान होगा तो अगर पंजाब की तरह वहाँ 700 लोग आते तो इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और रही बात है, देखिए जहाँ ये रोड शो कर रहे हैं वहाँ के सांसद हैं, वहाँ क्या इन्होंने कार्य किए, क्योटो बनाने वाले थे, अभी तो कोई क्योटो चमक नहीं रहा है, तो इसलिए ये सिर्फ एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी हवा खराब हो चुकी है। रही बात गौरव भाटिया की, गौरव भाटिया जी अवसरवादी हैं, पहले समाजवादी में अवसर तलाश रहे थे। अली मुर्तजा, अली मुर्तजा
आप फिर निजी टीका टिप्पणी पर चले गए, इसकी परमिशन नहीं है सर। तार्किक तौर पर आप बात किया कीजिए, तार्किक तौर पर आप बात किया कीजिए। फिर अब जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, वही आरोप पलटकर बीजेपी आप पर भी लगाती है कि आप भी इसी तरह से अपनी रैलियों में शक्ति प्रदर्शन की जब कोशिश करते हैं तो आपने भी वो मैनेज किया होता है, आपके द्वारा वो मैनेज किया होता है। ये पॉलिटिकल आरोप है, हर पार्टी एक दूसरे पर लगाती है, इसी तरह भीड़ देखते हैं। बड़ा सवाल ये है कि भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होती है, वो बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी राजू राज हमारे साथ है, निजी टीका टिप्पणी के लिए फ्लोर नहीं दूंगी मैं अली मुर्तजा, मैं बिल्कुल फ्लोर नहीं दूंगी निजी टीका टिप्पणी के लिए, आई एम सॉरी। राजू राज हमारे साथ है, राजू राज इस वक्त प्रधानमंत्री का ये रोड शो कहां तक पहुंचा है, और एक अगर आपके पास इसे लेकर और इन्फॉर्मेशन हो, क्या प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ टेम्पल भी जाएंगे? अदिति बता दूं, देखिए प्रधानमंत्री सीधे आपको नजर आएंगे, प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन ले रहे हैं और तमाम जो महिलाएं हैं जो छतों पर हैं फूल बरसा के प्रधानमंत्री का स्वागत करो, और प्रधानमंत्री भी हाथ हिला के नमस्कार करके लोगों का अभिवादन ले रहे हैं। और ये काफिला मैदान गिन तक पहुंचा, और यहाँ के बाद ये गुदौलिया, और गुदौलिया के बाद ये काशी विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के इस रोड शो में अब देखिए भीड़, और हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक जानना चाहता है, और तमाम छतों से इस तरीके से गुलाब फूल से उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके गाड़ियों पर आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री की गाड़ियाँ फूल से पटा हुआ है, गुलाब फूल से पटा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री का बनारस के अंदर कितना क्रेज है, कितना लोग स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का जो शो है वो रोड शो के अंदर भीड़, मतलब आपको कहीं से भी एक इंच का जगह आपको दिखाई नहीं देगा जहां पर लोग मौजूद नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री सीधे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए दोनों हाथों से विक्ट्री दिखाते हुए। कहीं ना कहीं जो सातवें फेज का चुनाव है, 7 तारीख को चुनाव, और उससे पहले प्रधानमंत्री का ये रोड शो बहुत कुछ असर डालेगा ये तमाम पूर्वांचल क्षेत्र में जहां पर 9 जिलों में चुनाव होने। और देखिए किस तरीके से यहां पर भीड़ है, हर कोई अपने मोबाइल से प्रधानमंत्री का एक सेल्फी लेना चाहता है, एक तस्वीर खींचाना चाहता है, और प्रधानमंत्री दोनों हाथों से विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नमस्कार अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हुए, और ये काफिला इसी रास्ते से होते हुए गदौलिया चौक तक पहुंचेगा और उसके बाद काशी विश्वनाथ तक, और ये लगातार प्रधानमंत्री का काफिला आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए, और भीड़ देखिए, भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने रस्सी बांध रखा है, कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश की है ताकि लोग इस काफिले के अंदर ना आए, लेकिन उसके बावजूद लोग हैं कि थमते नहीं है, क्योंकि बनारस की ये जनता है, बनारस के लोग हैं जो काफी दिल से भावुक होते हैं, और अपने नेता के लिए तमाम इन छतों की तस्वीरें देखेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में वक्त इतना ही। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।